जालंधर के वार्ड नंबर 75 के निवासियों की ओर से सुशील कुमार रिंकू के सांसद बनने की खुशी में एक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुशील कुमार रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू विशेष रूप से शामिल हुई, जिन्हें इलाका निवासियों की ओर से विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधान बंसीलाल, डॉक्टर मनीष करलुपिया, सरपंच सुखा गाखल, कश्मीर सिंह अश्वनी, बिंदर नरेंद्र काला प्रधान, अमितत्री प्रोमिला, गीता नीलम, सुनीता शीतल, पूनम सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। के विधायक जी भी अपनी दानशमंदा देने थे, एमपी भी अपनी दानशमंदा देने, तो जिस तरह असी आम पार्टी दी सरकार ते विश्वास करके उन्हां नूं मौका दिता है, आम पार्टी की सरकार नूं मजबूत किया है, ते उसे तरह आने वाले इलेक्शन दे विच असी चाहांगे के जेडे कौंसलर ने ओ भी साडे आम आदमी पार्टी दे ही बनन, क्योंकि हर वार्ड दे विच जेडे भी उम्मीदवार ने ओ पिछले 10-15 साल तो दिन रात लोकां दे चाहे छोटी वड्डी लैके हर समस्या का समाधान करदे ने, चाहे घरां दे 12 बजे भी फोन करदा है। सो पिछले समय तो जेडे उम्मीदवार ने ओ दिन रात लोकां दी समाज सेवा दे विच लगे होए ने, ते आने वाले इलेक्शन च असीं चाहांगे कि तुसीं जिस तरह एमपी नूं जिताया, विधायक शीतल उंगराल जी नूं जिताया, उसे तरह असीं आम पार्टी दे कौंसलर भी बनावांगे। आके सारे क्योंकि इको बारी सब दा धन्नवाद हो गया। सो अज यही कहांगी कि जिहड़ियां उम्मीदां नूं लै के तुसीं सुशील कुमार रिंकू जी नूं आम आदमी पार्टी नूं वोट पाईए, आपां तुहाडियां उम्मीदां ते पूरे खरे उतरांगे, पूरे खरे उतरांगे। और इस तों इलावा जदों भी डोर टू डोर कीता इलैक्शन दौरान जां मीटिंगां होईयां, ते काफ़ी मेरियां भैणां ने कहा कि साढ़े नीले कार्ड नहीं बने। सो मैं तुहानूं यकीन दिलानी हाँ कि आपां पहल दे आधार ते नीले कार्ड जिन्हां दे नहीं बने उन्हां नूं बना के देवांगे। और उस तों इलावा सड़कां जां सीवरेज दीआं जिहड़ियां समस्यां ने, ओह आपां टाइम टू टाइम आपां हल करदे रहांगे।